ताम्र प्रणत मौलिमणि प्रभाण उद्युत कंदलित पाप तमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा क्वलंबनम् भव जले पततांजनाना यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटभिः सुरलोकनाथैः पुत्रैर्जगत्त्रितैः चित्तहरैरुदारैः स्तुषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। कल प्रातिहार्यों का वर्णन प्रारंभ हुआ था। 28वें काव्य में अपन ने अशोक तरु प्रातिहार को समझा था। आज पुनः एक बार उसका उच्चारण कर लेते हैं। उच्चैर अशोक तरु संसृत मुन्मयूख मा भाति रूप ममलं भवतो नितान्तम्। पष्टुल्लसत्किरणमस्ततमोवितानम् बिम्बण्रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती भक्ति गंगा में आह्वान करते हुए आचार्य मानतुंग महाराज कह रहे हैं कि भगवान ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे स्थित, जिसमें से किरणें ऊपर की ओर फैल रही हैं, ऐसा आपका उज्ज्वल रूप स्पष्ट रूप से शोभायमान है। किरणें जिसकी और जिसने नष्ट कर दिया है अंधकार के समूह को, ऐसे मेघ के पास में स्थित सूर्य के बिंब की तरह अत्यंत शोभायमान हो रहा है। तो कितनी अच्छी छटा कंट्रास्ट आप लोग जो बोलते हैं कि हरे हरे वृक्ष और पास में सूर्य जैसे शोभायमान होता है, वैसे अशोक वृक्ष प्रातिहार का वर्णन इस 28वें काव्य में पूर्ण हुआ। अब अपन 29वें काव्य को प्रारंभ करते हैं। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव बपुः विभ्राजते तव बपुः कनकावदातम् बिम्बं वियद् विलसदंशुलतावितानम् बिम्बं वियद् विलसदंशुलतावितानम् तुङ्गोदयादृशिरसीव सहस्ररश्मेः तुङ्गोदयादृशिरसीव सहस्ररश्मेः सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव बपुः कनकावदातम्
बिंवं व्यद्विलसदंशुलतावेतानं बिंवं व्यद्विलसदंशुलतावेतानं तुंगोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मेः तुंगोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मेः नंदीश्वर भक्ति के बाद में एक प्राकृत क्षेपक श्लोक मिलता है। खबिय घड़ गाई कम चौती साती स विशेष पंच कल्याण अठवर पाड़ी हेरा अरिहंता मंगला मध्यम। जिन्होंने चार घातीय कर्मों को नष्ट कर दिया है, जो 34 अतिशयों से 5 कल्याणकों से और 8 महाप्रातिहारियों से सुशोभित होते हैं, ऐसे अरिहंत भगवान हमारे लिए मंगलकारी होवे। तो यहाँ प्रातिहारियों का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। इंद्र के द्वारा सेवा में इन प्रातिहारियों को प्रस्तुत किया जाता है। इंद्र को महाकवि धनंजय ने विशापाहार स्तोत्र में प्रतिहारी कहा है, और प्रतिहारी के द्वारा किया गया कार्य प्रातिहार्य जो महिमा बोधक आभूषण स्वरूप 8 जो प्रातिहार होते हैं वो मात्र तीर्थंकरों के होते हैं। अन्य केवलियों की गंधकुटी आदि उनकी पद के अनुरूप होती हैं, और जैसे यहाँ पर अपन लोग देखते हैं कि जो विशिष्ट पदों से युक्त होते हैं उनके लिए विशिष्ट वाहन विशिष्ट भवन जैसे राष्ट्रपति भवन आदि होता है, ऐसे ही भगवान के लिए ये 8 महाप्रातिहार होते हैं, जिसमें हमने कल अशोक प्रातिहार के बारे में समझा था। आज सिंहासन प्रातिहार के बारे में समझने के लिए अपन प्रयास करते हैं। पहले अपन मणिमयूख शिखा विचित्रे, मणियों की किरणों के अग्रभाग, शिखा यानी सबसे अग्रभाग, उनसे विचित्र है यानी उनसे शोभायमान चित्र विचित्रित हो रहा है। सिंहासने तव कनकावदातम वपुः, इस सिंहासन के ऊपर आपका स्वर्ण के समान उज्जवल शरीर कैसी उपमा को धारण कर रहा है? तुंग उदयाद्री शिरसी, जो उदयाचल पर्वत होता है, उदय और अद्री शब्द पर्वत के लिए आता है, तो जहाँ पर सूर्य उदय को प्राप्त होता है उसके आगे जो भी पर्वत रहता है वो उदयाचल कहलाता है। तो ऐसे ऊंचे उदयाचल पर्वत के शिखर पर अपनी किरणों के वितान विस्तार से जैसे सूर्य का बिंब शोभायमान होता है, ऐसे ही भगवान आप उस सिंहासन पर जो किरणों की मणियों की किरणों की शिखा से चित्र विचित्र शोभायमान हो रहा है। सिंहासन किसका प्रतीक है? सिंहासन 5 इंद्रियों पर भगवान ने विजय प्राप्त की है। 5 इंद्री रूपी पंचानन, सिंह का एक पर्यायवाची नाम है पंचानन, तो जिन्होंने पंचेंद्री रूपी पंचानन इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है, इंद्री रूपी सिंहों पर विजय प्राप्त की है, इसलिए भगवान के लिए सिंहासन प्राप्त हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई सिंह के ऊपर बैठ गए हों, वहाँ तो भगवान का जैसे ही उनको केवल ज्ञान हुआ 5000 धनुष ऊंचा उनका शरीर उठ गया और इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने रचना की, तो वहाँ पर नीचे उसके उनके सिंहासन की रचना की गई और वो भी 4 अंगुल ऊपर उससे निर्लिप्त रहते हैं। ऐसे 5 इंद्रियों पर विजय का प्रतीक ये सिंहासन, जिसमें पंचानन कहा इंद्रियों के लिए, क्योंकि
पांच मुख हो जाते हैं सिंह के जब वो आक्रमण करता है। सिंह का वैसे एक ही मुख होता है, लेकिन जब वो आक्रमण करता है तो उसके नाखून बाहर निकल आते हैं, चारों हाथ के नाखून उसके पीछे छिपे रहते हैं, लेकिन जब वो आक्रमण करता है तो बाहर आ जाते हैं। तो जैसे मुख के दांत बड़े बड़े बाहर दिखाई देते हैं, ऐसे चारों हाथों के भी मुख की जैसी आकृति हो जाती है। इसलिए उसको पंच आनन, पंचानन, पांच हैं मुख के जिसके। तो ऐसी पांच इंद्रियां जो कि संसारी प्राणी के लिए प्राप्त होती हैं, लेकिन वो इसमें ऐसा रंजायमान हो जाता है कि उन्हीं में लिप्त होकर के अपने स्वरूप को भूल जाता है। तो जिन्होंने पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है उनके लिए सिंहासन प्राप्त होता है। तो जिन्होंने अपनी अस्पर्शी आत्मा के अनुभूति के लिए, साधु भी जो है स्पर्शन इंद्री पर विजय प्राप्त करते हैं, आठ प्रकार के स्पर्शों में वो वहाँ पर प्रभावित नहीं होते, सब में समता का भाव रखते हैं, तो वहाँ उन्होंने तो इंद्री पर विजय प्राप्त की है। लेकिन हम लोग भगवान की आराधना करते हैं तो वो स्पर्शन इंद्री के हम कितने वशीभूत हैं, हम उनसे बचने का क्या प्रयास करते हैं, इस पर भी हम यहाँ विचार करके देखते हैं कि अपनी स्पर्शन इंद्री को कोमल करने के लिए हम ऐसी साबुनों का भी प्रयोग कर लेते हैं जिनमें की चर्बी होती है, उस पर लिखा रहता है TFM, टोटल फैट मटेरियल। वो सारी जो मल्टीनेशनल्स की साबुन होती हैं वो सब चर्बी से बनी होती हैं, चाहे वो शेविंग क्रीम हो, चाहे टूथपेस्ट हो, पाउडर हो। पाउडर जो लगाया जाता है उसमें जो चूरा रहता है एक हड्डी से आता है, जो 20 रुपए किलो मिल जाता है, और जो मार्बल का पत्थर का चूरा होता है वो 60-70 रुपए किलो आता है। तो आप समझ सकते हैं कि उसमें टेलकम पाउडर में क्या मिलता होगा। उसके माध्यम से हम अपनी चेहरे की, अपने शरीर की सुंदरता बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन क्या ऐसे अशुद्ध पदार्थों से वास्तविक सुंदरता प्राप्त की जा सकती है। इसी प्रकार से हम अपने वस्त्रों के लिए, वहाँ पर पहले भी चर्चा आई थी कि कोशा रेशम के वस्त्रों को पहनते हैं जिसमें हजारों छोटे छोटे क्षुद्र जीवों का बलिदान चढ़ जाता है, और उस चमड़े को जो कि नरम होता है उसके कारण नरम चमड़े के लिए जिंदा पशुओं के ही चमड़े को उतार लिया जाता है। तो हम इस स्पर्शन इंद्री पर विजय प्राप्त करें, भगवान की आराधना कर रहे हैं, उन्होंने तो स्पर्शन इंद्री पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन आंशिक विजय तो हम प्राप्त कर सकते हैं। एक होती है नेसेसिटीज, आवश्यक, आप उसके बिना नहीं रह सकते हैं, उसके लिए निषेध नहीं है, लेकिन अच्छे अच्छे ब्रांड के लिए लग्जरीज जिसको कहते हैं, केवल जिसमें प्रदर्शन की भावना भरी हुई है, उनसे हम बच करके अपने लिए स्पर्शन इंद्री पर आंशिक विजय प्राप्त करने के लिए कुछ कदम उठा सकते हैं। दूसरी रसना इंद्री, जिसका काम चखना और बकना होता है, दोनों पर विजय भगवान ने प्राप्त की है। वहाँ पर वो रस को भी ग्रहण करने में, पहले साधु अवस्था में भी वहाँ पर रसना इंद्री के विजयी बनने के प्रयास में रहते हैं, और बोलने में भी हित मित प्रिय वाणी उनकी रहती है। इस प्रकार से दोनों का नियंत्रण महान आत्माएं करती हैं, लेकिन रसना इंद्री के वशीभूत होकर के व्यक्ति सिगरेट, जो कि अपने शरीर के लिए कितनी हानिकारक है, गुटखा है, कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक में अपने शरीर की इतनी क्षति होती है, जो फिल्मी स्टार अमिताभ बच्चन है उसकी बड़ी आंत डॉक्टर को ऑपरेट करना पड़ी, और उसमें कारण प्रतिदिन वो कोल्ड ड्रिंक पीता था। कितना हानिकारक है ये सब, लेकिन हम उनका पान करते हैं, और उसका जो संसद की कैंटीन है वहाँ पर बैन है, वहाँ पर मिलती नहीं, पूरे भारत में बैन नहीं है। ऐसे ही जो नेस्ले के प्रोडक्ट होते हैं जिनमें कहते हैं कि जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ है वो सब में बैंड है, क्यों? क्योंकि उसमें
सूकर की चर्बी मिली हुई है, लेकिन भारत में वो खूब चल रही है और अहिंसक लोग भी उसका पान करते रहते हैं। फिर चीज़ के बारे में बताया था कि उसमें जिससे चीज़ बनता है वो रेनेट होता है, जिसकी प्राप्ति जो नवजात बछड़ा है उसके पेट से प्राप्त होती है। सुनते हैं 80,000 बछड़े प्रति वर्ष उस रेनेट को प्राप्त करने के लिए एक बड़ी कंपनी के द्वारा मारे जाते हैं। इसी प्रकार से मैगी में जहाँ पर सर्डाइन होता है, जिसकी प्राप्ति फिश और सूकर से होती है, इसी प्रकार से यदि आप कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी का बाहर का प्रोडक्ट देखें तो उस पर ई नंबर लिखा होता है, और वो ई नंबर के माध्यम से उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें मिली हुई हैं जो कि हमारे लिए सात्विक अहिंसक नहीं बने रहने देती। इसलिए हमें रसना इंद्री पर भी कुछ आंशिक विजय प्राप्त करने के लिए अपने घर के बने हुए ही सामग्री यदि हम खाएं तो अपनी रसना इंद्री पर हम आंशिक नियंत्रण कर सकते हैं। और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी मिलाती हैं कंपनियां जिससे बच्चे उसको बार बार खाएं, उसके एडिक्ट बन जाते हैं और उनका पढ़ने में मन नहीं लगता। ऐसी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। फिर तीसरी इंद्री घ्राण इंद्री होती है, जिस पर भी भगवान ने विजय प्राप्त की है, साधु भी उसके विजय प्राप्त के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। जहाँ कभी कोई दुर्गंध आती है तो उस समय में वहाँ पर अपन नाक सिकोड़ लेते हैं और अच्छी सुगंध के लिए अपन उसको सूंघने के लिए लालायित हो जाते हैं। ये तो जब सहन नहीं होता तो ठीक है, लेकिन जिन चीज़ों के माध्यम से हम कृत्रिम सुगंध को प्राप्त करते हैं, चाहे वो कोई परफ्यूम हो, डिओडोरेंट्स हो, उनके बनने में उनका प्रयोग पहले खरगोश की आँख के ऊपर किया जाता है कि कितनी हार्मफुल हैं, उसमें कई खरगोशों की आँखें चली जाती हैं और अंधे खरगोशों को मार दिया जाता है। चक्षु इंद्री के विजय के ऊपर भी हमें विचार करना चाहिए। आजकल इतने साधन उपलब्ध हो गए हैं जिनके माध्यम से पहले तो एक चित्र को देख करके कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसमें सीता के चित्र को देख करके भामंडल उनका भाई मोहित हो गया। अब आजकल जो मोबाइल, इंटरनेट, टेलीविज़न आदि के माध्यम से और उसमें ही ऐसे ऐसे हिंसक गेम्स खेलते हैं बच्चे, जिनसे उनका मन पूरा हिंसा से भरा रहता है। कई घटनाएं विदेशों में ऐसी हुई हैं कि उनके वहाँ पर गन आदि बहुत ईजिली मिल जाती है और उन्होंने उसको लेकर के प्रयोग भी बच्चों के ऊपर, बड़ों के ऊपर कर दिया। तो ऐसे देखने से कितना अहित होता है। और अपनी नेत्र इंद्री का ही विषय एक सेल्फी है, जिसको खिंचवाने में लोग सेल्फी खींचते समय में कई लोग एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं, कई लोग मौत के गाल में समा जाते हैं। तो ये भी चक्षु इंद्री का विषय है, इस पर भी हमें वचन थोड़ा सा विचार करने की आवश्यक है। अब कर्ण इंद्री के बारे में सुनना आवश्यक है। यदि आप व्यापार करते हैं तो दुकानदार हैं, दो कान जिसके होते हैं, ग्राहक की बात सुनना जरूरी है, उससे बात करना भी जरूरी है। लेकिन यदि हम अश्लील गाने सुनते हैं, अश्लील कविताएं वगैरह सुनते हैं तो उसके माध्यम से हम विकार को प्राप्त होते हैं। और साथ ही साथ में आजकल कानों में हेडफोन लगा करके लोग सुनते हैं, गाड़ी भी चलाते रहते हैं, कौन सी गाड़ी आ रही है, कई एक्सीडेंट केवल वो कर्ण इंद्री के विषय में लोलुप होकर के मारे जाते हैं। सुनते हैं आगम में उदाहरण आता है कि कर्ण इंद्री के कारण में हिरण जो है म्यूज़िक का, संगीत का इतना प्रेमी होता है कि वो वहाँ पर एकदम स्थिर हो जाता है और उसको शिकारी पकड़ लेते हैं। ये बात समझ में नहीं आती थी कि कैसा ऐसे होता होगा, लेकिन एक बार एक संगीतकार का जब सुना कि वो बनारस के किसी मंदिर में वहाँ पर अपना गायन कर रहे थे और वहाँ पर मंदिर में हिरण आ गया और वो एकटक होकर के वहाँ पर सुनने लगा, उन्होंने अपना संस्मरण सुनाया, तब जो आगम में जो बातें लिखी हैं अपने लिए भली प्रत्यक्ष नहीं होती हैं, किस प्रकार से वो
स्पष्ट होती हैं, इसके माध्यम से भी हम कर्ण इंद्रिय के माध्यम से भी उस पर भी आंशिक विजय प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। किसी की कोई प्रशंसा करे तो सुनने में कोई बाधा नहीं, लेकिन किसी की जब निंदा करता है तो उसके माध्यम से व्यक्ति वहाँ पर कुछ अपने आप को थोड़ा ऊंचा समझने लगता है, क्योंकि किसी को जब नीचा दिखाया जाता है तो उस एहसास में व्यक्ति वहाँ पर आनंद की अनुभूति करता है, लेकिन उसके माध्यम से जहाँ पर की निंदा की जाती है वो नीच गोत्र का कारण बनता है, अपने लिए निम्न गति के लिए ले जाने वाला होता है। तो ऐसे कर्ण इंद्रिय के विषय पर भी अपने लिए नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे पांचों इंद्रियों के जो सिंह हैं, भगवान ने उन पर विजय प्राप्त की है, इसलिए भगवान को सिंहासन मिला है। पंचेंद्रिय रूपी पंचानन पर विजय प्राप्त करने से भगवान सिंहासन के अधिकारी हुए हैं। उन पांचों इंद्रियों के विषयों के बारे में हम देखें तो स्पर्शन इंद्रिय के आठ विषय होते हैं, हल्का भारी, फिर शीतोष्ण, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ऐसे आठ विषय होते हैं। और रसना इंद्रिय के वहाँ पर खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, चरपरा, घ्राण इंद्रिय के सुगंध और दुर्गंध, चक्षु इंद्रिय के पांच रंग होते हैं, काला, नीला, पीला, लाल, सफ़ेद, ये मूल रंग होते हैं, फिर इनके कॉम्बिनेशन से बहुत से रंग बनते हैं, और सात स्वर होते हैं, सारे गामा पाधानी, ये सब मिलाकर के 27 हो जाते हैं, और इसमें एक मन का विषय मिला लिया जाए तो 28। तो ऐसे 28 विषयों के वशीभूत संसारी प्राणी होता है। भगवान ने पूरे विषयों पर विजय प्राप्त की है और मुनिराज भी 28 मूलगुणों के धारी होते हैं, इन इंद्रियों के विषयों पर विजय प्राप्त करते हैं। तो भगवान की हम आराधना करते हैं, सिंहासन प्रातिहार से युक्त भगवान की हम आराधना कर रहे हैं, तो आंशिक रूप से हम भी कुछ इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का अपना मानस बनाएं इस काव्य के माध्यम से। अब आचार्य कुंद स्वामी ने पंच महागुरु भक्ति लिखी है प्राकृत भाषा में, जितनी भी प्राकृत भक्तियां हैं वो सब आचार्य कुंद महाराज की मानी जाती हैं, और संस्कृत की भक्तियां आचार्य पूज्यपाद महाराज की मानी जाती हैं। उसमें उपाध्याय परमेष्टि की स्तुति करते हुए आचार्य कुंद महाराज ने लिखा है, घोर संसार भीमा डबी काणणे तिख वीरालणे पाव पंचाणणे। पंचाणणे, पंचाणन यानी सिंह होता है, अभी बताया था कि जिसके एक मुख होने पर भी चारों हाथ जो हैं वहाँ पर उसके नाखूनों से घिर जाते हैं, वो भी मुख के जैसे कार्य करते हैं, इसलिए पंचानन कहलाता है। तो आचार्य महाराज ने, कुंद महाराज ने यहाँ पर लिखा है, पाप रूपी पंचानन, पाप रूपी सिंहों को भगवान ने नष्ट किया है, इसके माध्यम से वो सिंहासन के अधिकारी हुए हैं। तो सबसे पहला जो महाव्रत होता है, अहिंसा महाव्रत, उसके माध्यम से हिंसा पर पूर्णता विजय प्राप्त होती है। साधु सभी प्रकार के त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा से रहित होते हैं, और अणुव्रतधारी जो होता है वहाँ पर त्रस हिंसा को त्याग, वृथा स्थावर न संहारे, यानी अपने वहाँ पर त्रस हिंसा का, और उसमें भी त्रस हिंसा में भी केवल संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है। चार प्रकार की हिंसाएं होती हैं, एक होती है आरंभी हिंसा, आप अपने घर में जो भी कार्य करते हैं उसके माध्यम से उसमें हिंसा निश्चित रूप से होती है, लेकिन उसमें संभल करके करें तो उस हिंसा को कम किया जा सकता है। फिर औद्योगिक हिंसा, कैसा उद्योग करना जिसमें कम से कम हिंसा हो, हिंसा तो होगी लेकिन हिंसा में उद्योग नहीं करना है, तो वो औद्योगिक हिंसा होती है, उससे भी श्रावक बच नहीं सकता, धन का अर्जन कैसे करेगा। और इसके बाद में तीसरी होती है विरोधी हिंसा, धर्म के ऊपर, गुरुओं के ऊपर जब आपत्ति आती है तो सामने वाले के सामने लड़ने के लिए भी तैयार होना पड़ता है, वो विरोधी हिंसा कहलाती है, इससे भी श्रावक ऊपर नहीं उठ सकता, क्योंकि अपने घर की भी रक्षा करना है, धर्म की रक्षा भी करना है, यदि कोई आतताई आ जाए तो वहाँ पर लड़ना पड़ता है उसके लिए, तो वो विरोधी हिंसा का भी त्यागी नहीं होता।
बस केवल संकल्प पूर्वक किसी जीव का वध नहीं करता, तो ऐसे केवल संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है। तो इस प्रकार से आंशिक रूप से अणुव्रती बनकर के हम हिंसा पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और उसके माध्यम से हम अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने पांचों पापों पर पूर्ण विजय प्राप्त की है और उसके माध्यम से वो सिंहासन के अधिकारी हुए हैं। अब दूसरा जो पाप है झूठ, जिस पर विजय प्राप्त करने के लिए सत्य धर्म की आवश्यकता होती है। सत्य धर्म जहाँ पर आता है वहाँ पर झूठ पलायित हो जाता है। कहते हैं कि झूठ को याद रखने की आवश्यकता पड़ती है, सत्य को याद नहीं रखना पड़ता है। इसलिए जहाँ प्रयोग हुए हैं वहाँ पर देखा गया है कि जो बहुत झूठ बोलते हैं वो लोग बहुत सारे रोगों से ग्रसित रहते हैं, क्योंकि वैसे ही संसार में बहुत सारा तनाव रहता है। एक झूठ बोल करके एक और तनाव एक्स्ट्रा कर लेते हैं। एक ये भी बताया, कई लोगों की आदत होती है घड़ी को आगे रखने की, 10 मिनट 15 मिनट आगे रखते हैं, उससे क्या है वो थोड़ा काम में आ जाता है, देख लेते हैं। तो उसमें बताया उस वो भी करते हैं लोग तो और ज़्यादा तनाव बनाते हैं, क्योंकि मन वो अपना कैलकुलेशन करता रहता है। आप जैसे सुबह सोच रहे हैं उठ करके और उस समय में अरे इतना बच गया, फिर बाद में अरे नहीं अभी तो 10 मिनट हैं और उसमें ही लगे हुए हैं, वैसे ही बहुत सारे तनाव हैं, एक तनाव और अपना बढ़ा लिया। ये भी रिसर्च हुई है। तो इसके माध्यम से वहाँ पर व्यक्ति जो झूठ बोलता है उसका कितना अहित होता है और जो झूठ पर विजय प्राप्त करते हैं वो सत्य महाव्रत होता है, और उस सत्य महाव्रत के पालन करने के लिए कुछ भावनाएं होती हैं। अणुव्रतों को भी पालन करते हैं तो उनकी भी कुछ भावनाएं होती हैं। व्यक्ति यदि क्रोध करता है तो क्रोध में भी व्यक्ति अंधा हो जाता है, वो वहाँ पर सही गलत का निर्णय नहीं कर पाता। एक बार एक छोटा सा बच्चा स्कूल जाने को तैयार नहीं था। अब बच्चे लोग बहुत दिनों से स्कूल नहीं गए हैं, अब कोरोना के बाद में जब स्कूल भेजेंगे तो कई लोगों की तो शामत आ जाएगी। तो वो वहाँ पर बच्चे को मार पीट करके स्कूल भेजा, रोता रोता बस्ता टांग करके स्कूल जा रहा था। किसी व्यक्ति ने पूछ लिया और बच्चे स्कूल जा रहे हो, तो गुस्से में तो था ही, तो कहने लगा नहीं नहीं स्कूल की ड्रेस पहन करके शादी में जा रहा हूँ। तो व्यक्ति वहाँ पर गुस्सा में होता है तो इस प्रकार से झूठ बोलने के लिए भी वहाँ पर तैयार हो जाता है। लोभ के कारण में भी व्यक्ति झूठ बोलता है। दुकान पर वहाँ पर ग्राहक से कि ये माल जो है वहाँ फला फला जगह से आया है, पता पड़ा कि लोकल का ही है लेकिन बताना पड़ता है वहाँ पर, जो है इस प्रकार से झूठ बोलते हैं, वो लोभ के कारण होता है। भय के कारण में भी व्यक्ति झूठ बोलता है, भयभीत होता है तो उस समय भी अपनी रक्षा करने के लिए झूठ बोलता है। युधिष्ठिर के बारे में भी आता है कि उन्होंने अश्वत्थामा हता नरोवा कुंजरोवा, अश्वत्थामा नाम का हाथी मरण को प्राप्त हुआ था, ये तो उन्होंने तेज बोल दिया और बाद में धीरे से नरोवा कुंजरोवा, हाथी है कि मनुष्य ये नहीं, और उसके माध्यम से वहाँ पर उनके गुरु ने सुना और वो वहाँ पर उन्होंने अपने शस्त्रों को छोड़ दिया कि मेरा पुत्र मरण को प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से भय के कारण जीतने के लिए झूठ बोली, और इसके बाद में हास्य के लिए भी झूठ बोलते हैं। हंसी हंसी में आपके यहाँ पर अप्रैल फूल तो चलता ही रहता है, उसके माध्यम से भी लोग झूठ बोलते रहते हैं। एक बच्चा एक झूले से गिर गया और रात में जब सोया तो सुबह उठा नहीं, तो उन्होंने सोचा कि लगता है कल रात में झूले से गिर गया था तो चोट लग गई होगी, और बहुत परेशान डॉक्टर को बुलाया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में सारे चेक कराए लेकिन कुछ भी पता नहीं पड़ा, हॉस्पिटल में वहाँ पर कुछ पता नहीं पड़ा। तो उस समय वो वहाँ पर बड़े परेशान थे, और बच्चा धीरे से अपनी एक आँख खोल करके अपने पापा से बोलता है, और पापा कैसी रही एक्टिंग? अब पिता जो है बिल्कुल ऐसी स्थिति में कि हम पूरा घर जो है यहाँ पर परेशान है और इसको यहाँ पर एक्टिंग की पड़ी हुई है। तो ऐसे व्यक्ति
हंसी हंसी में भी झूठ बोलता है और उसके माध्यम से भी अपना हित करता है। साधु जो रहते हैं बिना बोले रह जाते हैं वो वचन गुप्ती कहलाती है। जब हितमित प्रिय बोलते हैं तो उनकी भाषा समिति कहलाती है, और उस समय में भी जो कुछ बोलते हैं वो पूर्णतः सत्य होता है, वो सत्य महाव्रत कहलाता है। एक आदत हो जाती है लोगों को बोलने की, जिसको कि व्यंग में कहा जाता है कि ये तो रायचंद जी हैं, दूसरों को राय बांटते रहते हैं। कहते हैं वैसे कि भारत में गली गली में डॉक्टर और वकील तो आराम से मिल जाते हैं, तो वो वहाँ पर प्रोफेशन वाले डॉक्टर और वकील नहीं, हर व्यक्ति कोई बीमारी हो जाए तो उसमें दवाई के लिए और कोई भी मामले में सलाह देने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की सलाह को लोग अच्छा क्यों नहीं मानते? क्योंकि मुफ्त में दी गई सलाह की कोई कीमत नहीं होती। कुछ कंसल्टेंट होते हैं जो पैसे लेते हैं उस सलाह के देने के, तो उनकी सलाह को लोग ध्यान भी देते हैं, मानते भी हैं, लेकिन मुफ्त में देने वाले जो सलाह वाले रहते हैं वो वहाँ पर रायचंद का ठप्पा जरूर लगवा लेते हैं। उसमें ऐसा क्यों होता है कि मुफ्त में दी गई सलाह को क्यों नहीं मानता? एक व्यक्ति की गाड़ी में उनको तीर्थयात्रा करनी थी, अभी टायर रिटायर के योग्य नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि लंबी यात्रा पर है, इनको निकाल देते हैं, नए टायर डलवा लेते हैं। और वो यात्रा पर चले गए, उन्होंने सोचा इसको अपन यहाँ पर टांग देते हैं, जिसको ज़रूरत होगी लिख दिया वहाँ पर, फ्री हैं, जो चाहे वो ले जा सकता है। वो पूरी महीने भर की यात्रा करके लौट करके आ गए, लेकिन देखा टायर वहीं के वहीं। उनके एक मित्र ने पूछा, क्यों भाई ये कब से टंगे हैं? कहले यार एक महीने से टंगे हैं, कोई ले ही नहीं जा रहा, हमने सोचा कि किसी के काम में आ जाएं तो अच्छा है। तो उस समय उनके मित्र ने कहा कि तुम इस पर कुछ कीमत लिख दो, भले ही तुम इस पर 99 रुपये का टैग डाल दो कि 99 रुपये में बिकाऊ हैं, फिर तुम चमत्कार देखो। और वैसा ही हुआ, अगले दिन सुबह उठ करके देखा तो वो टायर चोरी हो चुके थे। यानी चोर भी जब मुफ्त की चीज़ मिलती है तो उसको लेना पसंद नहीं करता, उसकी कुछ कीमत होती है तब उसको ले जाने के लिए तैयार होता है। इसलिए जिनकी रायचंद बनने की आदत होती है उनको विचार करना चाहिए कि हम राय दे करके बहुत सारे लोगों के लिए पाप का अर्जन करने रहते हैं, क्योंकि जिसको जो कुछ बोल दिया अब वो करने के लिए तैयार हो गया, और उसमें जो भी पाप का अर्जन होगा उसमें अपना हिस्सा तो बन ही जाएगा। इसलिए अपने लिए जो सत्य महाव्रत है ऐसे पाप के उपदेश देने से भी वहाँ पर रोकता है। सत्य को अपने जीवन में प्राप्त करें, भगवान ने तो असत्य पर पूर्णतः विजय प्राप्त की है। इसके बाद में तीसरा पाप चोरी। चोरी की वहाँ पर परिभाषा अपन देखें तो अदत्ता दानम स्तियम, बिना दी हुई चीज को ग्रहण करना चोरी कहलाती है। मुनिराज के बारे में तो कि वो बिना आज्ञा के पानी भी नहीं लेते। छेड़ालाकार ने जो लिखा है, जल मृतिका बिन और ना ही कछु गहें अदत्ता, ये श्रावक के लिए लिखा है, मुनियों के लिए नहीं लिखा। और उसमें भी मुनियों के लिए भी यदि कहीं पर जल और मिट्टी लेते हैं तो वो लेते नहीं हैं, लेने के बाद में उसको वहीं छोड़ देते हैं। आप लोगों को विदित हो शायद कि कहीं पर झरने का पानी पत्थर से टकरा करके आ रहा हो तो उसको साधु अपने कमंडल में शुद्धि के प्रयोग के लिए ले सकते हैं, और यदि कहीं पर राख आदि नहीं है उनके पास में तो कहीं पर सूखी कोई मिट्टी, कोई ईंट का टुकड़ा वगैरह भी मिला हो तो उसको भी हाथ धोने के लिए ले सकते हैं। लेकिन वो लेना क्या हुआ? हाथ धोए वहीं के वहीं छूट गया, वो लेना क्या हुआ? लेकिन आप लोग जहां पर पब्लिक का जो कुआ है, पब्लिक की जो जगह है, वहां से आप लोग मिट्टी और पानी ले सकते हैं, तो साधु तो उसको भी ग्रहण नहीं करते। तो क्या है अचौर्याणु व्रत? जो अणुव्रत धारण करते हैं वो छोटी चोरी से, सूक्ष्म चोरी से छोड़ करके बड़ी चोरी से बचने का प्रयास करते हैं। तो उसमें आचार्य समंत भद्र स्वामी ने कहा है कि निहितम व पतितम व सुविस्मृतम व परस्म अविशिष्टम न हरती अन्न चत्ते तत्कृष्ट चोर्या दुपारण, कि जो कोई की चीज रखी हो भूल गया हो उसको भी नहीं लेना, किसी की चीज गिर गई हो उसको भी ग्रहण नहीं करना।
कई बार होता है लोग सोचते हैं गिर गई है चीज, अपन उठा लो मंदिर में डाल देंगे, लेकिन नहीं, उस पर अपना अधिकार नहीं है। अपन उसको ले लेते हैं और मंदिर में डालते हैं, सोचते हैं हमने बहुत धर्म का कार्य किया है। नहीं, वो व्यक्ति ढूंढता हुआ आएगा, उसको वो चीज़ नहीं मिलेगी तो उसके लिए संक्लेश होगा। अब कई बार ऐसी स्थिति भी बनती है कि आपकी दुकान पर ही कोई सामान रख के चला गया, भूल गया, अब क्या करें। तो उस समय में यदि अपने लिए उससे भी बचना है तो अपने पड़ोसी दुकानदार से पहले बोल करके देखो भैया कोई एक आया था और इसको छोड़ गया है, क्योंकि अकेले में तो ऐसा रहता है कि कब परिणाम परिवर्तित हो जाए कोई भरोसा नहीं। किसी को बता करके दिया आप रखेंगे तो उस चोरी से भी बच सकते हैं। एक बार पंडित दरबारी लाल जी कोठिया हुए हैं, बड़े विद्वान थे, उन्होंने आचार्य जी के समक्ष संलेखना भी धारण की थी। वो साड़ूवल में पढ़ते थे और वहाँ पर यही रत्नकर्ण श्राप का चार पढ़ करके आए थे, और जब पढ़ करके अपने घर में छुट्टियों में आए, जैसे अभी राखी की छुट्टियों में आते ऐसी कुछ छुट्टियों में गए होंगे, और रास्ते में उनको कोई छोटा सा पैसा दिख गया। पहले तो वो आगे निकल गए कि पड़ी हुई चीज़ भी नहीं उठाना है, पड़ा है अपन ने, लेकिन मन में ऐसा आया कि अपन इसको उठा करके मंदिर में डाल देंगे, और उन्होंने उस पैसे को अपनी कुर्ते की जेब में रख लिया। घर गए और घर से जब मंदिर जाना हुआ तो दूसरा कुर्ता पहन करके चले गए। दो तीन दिन निकले, फिर बाद में जब हाथ डाला उसमें तो देखा तो उसमें वो पैसा पड़ा हुआ था, लेकिन अब तक दान करने के जो भाव थे वो गायब हो गए। उन्होंने कहा अब इसका अपन अपने में ही प्रयोग कर लेते हैं, और उन्होंने अपने ही किसी काम में उसका प्रयोग कर लिया। और उसके बाद में जब वो घर पहुँचे तो जाते समय में उन्होंने एक अपनी धोती बाहर सूखने के लिए डाली थी, जब वो लौट करके आए तो उसकी चोरी हो चुकी थी। तो पंडित दरबारी लाल जी कोठिया ने अपने संस्मरण में लिखा कि वो जो घटना ने हमारे लिए बता दिया कि हमने चोरी की है, क्योंकि बताया था कि गिरी हुई चीज़ को भी नहीं ग्रहण करना है, उसका फल हमें इतनी जल्दी वहाँ पर मिल गया जिसके कारण में हमने फिर जीवन भर एक पैसे की भी चोरी नहीं की। तो ऐसी जो घटनाएं होती हैं वो हमारे लिए चोरी से ऊपर उठने की प्रेरणा देती हैं। भगवान ने पूरी तरह से, भगवान ने तो अपने कुछ भी ग्रहण करते ही नहीं है, नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं, हार तक ग्रहण नहीं करते हैं, ऐसे भगवान ने पूरी तरह से चोरी पर विजय प्राप्त की है। हम लोग भी आंशिक विजय अणुव्रत आदि धारण करके अपने जीवन में अपना सकते हैं। अब इसके बाद में चौथा पाप कुशील पाप होता है। भगवान सबके प्रति, सारे जीवों के प्रति अपनी जैसी आत्मा का भाव रखते हैं, शरीर उनके दृष्टि गोचर ही नहीं होता। साधु भी आत्म तत्व की ओर दृष्टि रखते हैं, शरीर पर ध्यान नहीं देते हैं। श्रावक सुदार संतोष पालन करके कि एक में अपनी वासना को केंद्रित करके बाकी सारे संसार के प्रति निर्मल भाव धारण करे, इसके माध्यम से आंशिक कुशील पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। और आखिरी पाप परिग्रह, जिसके बारे में पहले भी वर्णन आया था कि जिसको पाप स्वीकार करने में बहुत सारे लोग तैयार नहीं होते, क्योंकि उसके लिए ही तो पूरा प्रयास करते रहते हैं। परिग्रह पाप इसलिए कहलाता है क्योंकि वो परिग्रह आदमी को बांध लेता है। परि आसमंतात गृह्णाति बदनाति इति परिग्रह। अभी अपन रायचंद जी के बारे में, रायचंद के बारे में बात कर रहे थे कि रायचंद जी भी हुए शताधानी व्यक्ति, वो उपदेश देते थे। एक बार जाते हुए उन्होंने अपने शिष्य से पूछा कि देखो ये गाय जा रही है और उसका जो रखने वाला है ग्वाला भी साथ में जा रहा है, इसमें कौन बंधा हुआ है। तो वहाँ पर वो शिष्य कहने लगा, कहले आप लोग कभी कभी कैसे प्रश्न करते हो, साफ साफ समझ में आ रहा है गाय के गले में रस्सी बंधी हुई है, उसके हाथ में रस्सी है, फिर भी आप ऐसा सिंपल सरल सा प्रश्न कर रहे हैं। कहले नहीं, यही तो बात रहस्य है, इतना सरल दिख रहा है लेकिन इतना सरल है नहीं। तो कहले क्या है, कहले देखो यदि इसके हाथ से रस्सी छूट जाएगी तो गाय भागेगी, और गाय के पीछे कौन भागेगा, तो ग्वाला भागेगा। तो इसका मतलब है गाय नहीं बंधी हुई है, ग्वाला गाय से बंधा हुआ है। ऐसे ही पदार्थों की आसक्ति हमको बांध लेती है, और जो लोग परिग्रह से ऊपर उठ जाते हैं, परिग्रह के लिए पाप समझते हैं, उसकी हानि में उनको वहाँ पर हानि नज़र नहीं आती, पाप की हानि नज़र आती।
मुख्तार जी, रतनचंद जी मुख्तार बड़े विद्वान हुए हैं, वो मुनिराजों के संघों में भी पढ़ाने के लिए जाते थे, आचार्य कल्पसुत सागर जी आदि के संघों में पढ़ाने के लिए जाते थे। और एक बार उनको एक पत्र प्राप्त हुआ, पोस्ट कार्ड था, और पोस्ट कार्ड जो खुले रहते हैं कोई भी पढ़ सकता है कि आई ये खबर। और जब खबर उनको सुनाई तो उन्होंने खबर उसको पढ़ी और उन्होंने उस समय में कोई प्रतिक्रिया नहीं की, लेकिन जिस व्यक्ति ने पढ़ लिया था और उसने उनसे पूछा कि आपके घर में वहाँ पर बाढ़ आई थी और उसके कारण में उनके घर का एक हिस्सा गिर गया था, लेकिन आपके लिए कोई भी परेशानी नहीं हुई, तो उस समय में उनके शब्द जो थे वो ध्यान देने योग्य। उन्होंने कहा परिग्रह पाप होता है और उसकी क्षति में पाप की क्षति में दुख की कैसी बात है, अच्छा रहा थोड़ा कम हो गया। बनारसी दास जी, घर में चोर आया है, सामान उठा करके ले जा रहा है और हाथ लगा रहे हैं क्योंकि कोई भारी सामान हो गया, उठाने वाला नहीं, हाथ लगा दिया। वो जाकर के कहता है कि आज तो गजब का वो मिला, हमारे सामान को भी उठवा दिया। तो उसने कहा कि जरूर वो बनारसी दास जी होगा, उसका धन अपने लिए पचेगा नहीं, अब तुम जाकर के वापस करके आओ। वापस करने गया तो उनने कहा कि जब तुम जा रहे थे हमने हाथ लगाया था, उसी समय हमने इसका त्याग कर दिया था, अब ये हमारा नहीं है, अब तुम्हें भूरे पे फेंकना है तो फेंक दो, लेकिन हम तो इसका त्याग कर चुके। तो ऐसी दृष्टि जब आती है तब वो परिग्रह के लिए पाप समझते हैं और उससे उठने के लिए बहुत सारे लोग अपने जीवन में प्रयास करते हैं। आजकल एक नई पद्धति चली है मिनिमलिज्म, कम से कम चीज़ों में लोग जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उसमें बहुत सरलता है। आपके पास में यदि 10 ड्रेस हैं तो रोज़ तो आपका बहुत सारा समय कि कौन सी पहनूं कौन सी नहीं पहनूं इसमें ही चला जाता है। और जिसके पास में 2 ड्रेस रहती हैं, एक धो के डल गई है, अब कोई परेशानी नहीं। तो ऐसे बहुत से लोग हो रहे हैं आजकल कि जो घर में इतनी कम चीज़ें रखते हैं कि जितनी आवश्यक हैं। आप लोग भी अपने घर में देखेंगे बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी कि साल भर से जिनका उपयोग नहीं हुआ, लेकिन फिर भी घर में अपन उनको जोड़ जोड़ करके रखते रहते हैं, उस परिग्रह के पाप से दबते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं उससे भी ऊपर उठने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए कहा जाता है कि मेरा तो मेरा है ही, तुम्हारा भी मेरा है। उसमें कौरव आते हैं, पांडव थे, वो कह रहे थे कि मेरा तो मेरा है, तेरा तो तेरा है, बराबर हिस्सा होना चाहिए। और कुछ ऐसे होते हैं कि तेरा तो तेरा है ही और मेरा भी तेरा है, बाहुबली जिन्होंने जीत लिया सब कुछ लेकिन फिर भी सब छोड़ करके चले गए। और कुछ ऐसे अध्यात्मनिष्ठ होते हैं सर्वोत्तम प्रकृति के कि वो उसके लिए कभी लड़ाई की बात ही मन में नहीं लाते, वो कहते हैं ना मेरा है ना तेरा है, ये चिड़िया रैन बसेरा है। तो इस परिग्रह के प्रति ऐसी दृष्टि हमें प्राप्त हो। भगवान के लिए अपन ने देखा वहाँ पर कि भगवान ने 5 पाप रूपी सिंहों पर विजय प्राप्त की है, 5 पाप पंचानन, इसलिए भगवान के लिए सिंह नीचे उनके सिंहासन में लगे हुए हैं। आपके यहाँ अभय सागर जी महाराज आए हैं, 1982 में नैनागिर में चतुर्मास का समय था और छठ के दिन उन्होंने रात के समय में अपनी माँ से भोजन मांगा नैनागिर सिद्ध क्षेत्र पर। तो उनकी माँ ने कहा कि पर्युषण में तो रात में त्याग करना चाहिए, तुम कब धर्म करना सीखोगे। तो उस समय में अभय सागर जी पूर्व अवस्था में वहाँ पर कहते हैं कि यदि हम धर्म करेंगे तो तुम रोओगी। तो उन्होंने कहा तुम धर्म करोगे तो हम काया करोगे, हम तो खुश होएंगे। और उन्होंने 12 के दिन उत्तम त्याग के दिन आचार्य जी के पास में पहुँच करके ब्रह्मचर्य व्रत के लिए निवेदन कर दिया। और उस निवेदन में आचार्य जी ने कहा 2 शर्त हैं, एक तो केशलोच करना पड़ेगा और एक माता पिता की आज्ञा लेकर के आनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि ये इस काल में माता पिता आपको आकर के कह दे कि हाँ हमारे बेटे को ले जाओ, ऐसा तो संभव नहीं है, दूसरी शर्त को हम अभी पूरी करे देते हैं। और उन्होंने आचार्य जी के सामने ही केशलोच करना प्रारंभ कर दिया।
आचार्य जी उनके ऐसे त्याग को देख करके स्वाभाविक रूप से वहाँ पर प्रसन्न हुए और उनकी संघ में एंट्री हो गई। कहाँ 6 दिन पहले ऐसी स्थिति थी कि वहाँ पर रात्रि में व्रतों में भोजन करने वाली स्थिति थी और बाद में ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर लिया, केशलोंच कर लिया। तो वो है, परिग्रह में है, लेकिन वहाँ पर उनका उसके प्रति कोई अटैचमेंट नहीं, छोड़ने में देर नहीं लगती। तो ऐसे परिग्रह के प्रति वहाँ पर आसक्ति के भावना रहे हो। भगवान का भी सिंहासन अपन देखते हैं, जो सिंहासन का निर्माण होता है वो भगवान के 4 अंगुल नीचे रहता है, भगवान उसको स्पर्श भी नहीं करते। ये उनकी निर्लप्तता का प्रतीक है। महाकवि भूपाल ने दर्शन स्तोत्र में इसी बात के लिए लिखा है कि भगवान कहाँ ऐसी समोषण जैसी विभूति जो संसार में भूतो न भविष्यति, और उसके बाद में भी उसके प्रति ऐसी निष्प्रहता कि उसको स्पर्श तक नहीं करते। आपकी ये जो महिमा है वो इस लोक में देखने नहीं मिलती, लोकोत्तर है और तर्क के अगोचर है, हमें तो समझ में नहीं आती कैसे इसको समझें और समझाएं, ऐसी महिमा भगवान की है। आचार्य जी जब उनके लिए ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य पद दिया था, पहले तो मुनि विद्या सागर जी आचार्य पद के लिए तैयार ही नहीं थे। बाद में उनके पास में जो श्रावक आते थे उनसे उन्होंने कहा, और उन्होंने जाकर के कहा कि तुम उनकी पीड़ा को क्यों दूर नहीं करते। बड़ी मुश्किल से पहले तो उन्होंने कह दिया कि विवेक सागर जी को दे दिया जाए, तो उन्होंने कहा उनका तो चतुर्मास बाहर हो रहा है। फिर एक छुल्लक जी को कहा कि इनको मुनि दीक्षा दे दो, इनको आचार्य पद दे दो। और उसके बाद में भी ज्ञान सागर जी ने कहा कि गुरु दक्षिणा नहीं दोगे क्या, तब जाकर के आचार्य जी तैयार हुए। और वहां पर उस पद के प्रति निर्लिप्तता उन आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, कि जिन्होंने जिस शिष्य को बिल्कुल आउस लिखना सिखाया था उसके लिए ही आचार्य पद दे दिया और उनके चरणों में नमोस्तु करने लगे। और उनकी 3 परिक्रमा करके जब वहां पर बैठने लगे तो आचार्य श्री जो बन चुके हैं वो वहां से उठकर के अपनी पुरानी जगह पर जाने लगे। तब उस समय में ज्ञान सागर जी ने कहा कि क्या आचार्य का जो पीठ है वो क्या खाली रहेगा, आपको अपनी यथायोग्य स्थान पर बैठना चाहिए। तब जाकर के आचार्य जी उस स्थान पर बैठे। तो कैसी निर्लिप्तता उन गुरु की और कैसी निर्लिप्तता उन शिष्य की, ये भी एक यहाँ पर अपन इसके माध्यम से देख सकते हैं। जब आचार्य जी का शिखर जी के लिए बिहार हो रहा था, 82 की ही बात है, तब उस समय में कटनी से श्रावक लोग साथ में चल रहे थे और एक सिंहासन भी साथ साथ में चल रहा था। एक आध जगह तो आचार्य जी ने देखा बैठ गए, लेकिन देखा कि वो केवल हर दिन जो है लेकर के आ रहे हैं, तो आचार्य जी ने फिर उस पर बैठना बंद कर दिया कि हमारे लिए अलग से लेकर के आ रहे हैं तो हमारे निमित्त से जो कार्य हो रहा है वो उसमें हमें दोष लगेगा, इसलिए उन्होंने उसके ऊपर बैठना ही बंद कर दिया। तो ऐसी निर्लिप्तता जो होती है वो वहाँ पर प्रशंसनीय होती है। तो ऐसे इस सिंहासन प्रातिहार के माध्यम से अपन ने 5 इंद्रियों पर विजय करने वाले भगवान को सिंहासन मिला है, 5 पापों पर विजय करने वाले भगवान के लिए सिंहासन मिला है। और जब सूर्योदय होता है, उदयाचल जिसके पर्वत के पीछे सूर्य उगता है, तो वो प्रतीक जो है बड़ा ही मनोहर होता है। जो भी उस दृश्य को देखता है उसके अंदर उत्साह की प्राप्ति होती है। तो यदि भगवान को सूर्य के समान देख करके और सिंहासन को वहाँ पर उदयाचल पर्वत के रूप में यदि कोई ध्यान का विषय बनाता है, तो उसके लिए जिसको बहुत आलस आता है वो उस पर विजय प्राप्त कर सकता है, और साथ ही साथ में उसके लिए उत्साह की भी प्राप्ति हो सकती है। जहाँ संसार में सभी लोग पद के लिए, कुर्सी के लिए लड़ते रहते हैं, वहाँ पर भगवान उस कुर्सी के लिए भी छोड़ने के लिए तैयार, उसके लिए भी स्पर्श नहीं करते, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि संसार में सबसे ज़्यादा यदि युद्ध हुए हैं तो बस उस कुर्सी के लिए हुए हैं। युग के आदि में भी जो पहला युद्ध हुआ था भरत और बाहुबली का, वो भी कुर्सी के लिए था। पांडवों कौरवों का भी
राम का वनवास भी जो हुआ था वो भी कुर्सी के लिए था, और नेमिनाथ भगवान का जो वैराग्य का प्रसंग था वो भी कुर्सी के लिए था। इस संसार में कुर्सी के लिए बहुत संघर्ष होता है, लेकिन उस पद के प्राप्त करने के बाद में भी उसके प्रति जो निर्लिप्तता भगवान के जीवन में है, उस बात को अपन यहाँ देख करके एक और प्रसंग आचार्य श्री के ही जीवन का, कि जब सागर में षटखंडागम की वाचना चल रही थी और उस समय में सारे विद्वान वहाँ पर भारत के चोटी के विद्वान उपस्थित थे, और उन्होंने सब सर्वसम्मति से आचार्य श्री के लिए चारित्र चक्रवर्ती इनको घोषित किया जाए, ऐसा उन्होंने बिना आचार्य श्री से पूछे और वहाँ पर घोषणा कर दी। आचार्य श्री ने उसको सुनकर के कुछ प्रतिकार नहीं किया। जब उनको बोलने के लिए निवेदन किया गया तब आचार्य श्री ने कहा कि जो कुछ हमारे गुरु ने दिया है बस हमारे लिए वही पर्याप्त है, और आप हमारे लिए और कुछ देने की, क्योंकि रत्नत्र से बड़ी चीज़ और क्या दे सकते हैं। और इस प्रकार से उन्होंने कहा कि यही हमारा आपके लिए उपदेश है, आदेश है, और यही आपके लिए संबोधन है कि आगे भविष्य में ऐसी कोई चीज़ देने का प्रयास ना करें। जब सारी सभा ने सुना, विद्वान सारे वहाँ पर दंग रह गए और सबकी आंखों में आंसू आ गए कि जहाँ पद के लिए प्रतिष्ठा के लिए लोग लालायित रहते हैं वहाँ पर इनके लिए दिया जा रहा है, फिर भी इन्होंने उसको ठुकरा दिया। आचार्य श्री ने उस समय में एक पंक्ति बोली थी जो उन्होंने रचना की है कि पद पद पर बहुपद मिलते हैं पर वो दुख के आस्पद हैं, श्रेय वही निजी पद है जो सकल सुखों का आस्पद है। इस प्रकार से सकल गुणों का आस्पद है, यानी आत्म तत्व को उत्थान करके परमात्मा बनाना वही पद जो है वास्तविक है, और बाकी सब पद संसार के छूटने वाले हैं। ऐसे इस सिंहासन प्रातिहार के साथ में अपन इस घटना को भी देख लें। अब अपन इसके पद्यानुवाद को पुनः एक बार उच्चारण कर लेते हैं। त्रये निराला सब दुख को हरने वाला, आओ पढ़े भक्तामर प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला स्वर्णिम रतन जड़ित है, अद्भुत छटा सिंहासन जिस पर प्रभु विराजे, कंचन सजन का है तन, उदयाद्रि के शिखर ज्यों भानु डेरा डाला, आओ पढ़े भक्तामर प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको
केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाति। करो वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टा। महामंत्र का जाप अब सभी जपें नभ बार।